ये देखो दोस्तों, सड़कें देखो यहाँ की, और मतलब रूल रेगुलेशन देखो, कोई भी लाइन चेंज नहीं कर रहा, और लाइन चेंज कर भी रहा है तो इंडिकेटर वगैरह दे के कर रहा है। ये देखो मतलब टॉप से टॉप कार्स दिख रही हैं। ये देखो भाई, और सड़कें कितनी साफ सुथरी है भाई, ये देखो ये सड़क देखो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित कुणाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो भाई अभी फ्रेम से जो भागा ये बच्चा है ये वाला। सो अभी हमारे साथ पता है क्या हुआ दोस्तों, मतलब हम जॉब वगैरह लग गई हमारी, फ्री हुए, और तो भाई यहाँ पे क्या होता है लंदन में क्या यूके में ही होता है शायद, कि यहाँ पे ना बसेस जो होती हैं तो उसके अंदर ऑयस्टर कार्ड चलता है, ऑयस्टर कार्ड। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। जैसे कि आपने देखा है, मैं पेटवेट के प्रोडक्ट्स ही यूज करता हूँ अपने डॉग्स पे, सारे पेटवेट के प्रोडक्ट्स अपने पास है ही। सो उन्होंने 3 नए प्रोडक्ट रिलीज करे हैं, और जो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे ना हद से ज्यादा, एलर्जी एड टेबलेट जो होते हैं ये सपोर्ट करती है भाई इम्यून सिस्टम को। जैसे कि कोई भी आपकी डॉग्स या कैट्स है जिनको एलर्जी है, किसी भी एज की हो चाहे किसी भी साइज की हो, कैट या डॉग उनको कोई एलर्जी होती है, तो आप उनको ये वाली टैबलेट्स दे सकते हो। और ये ना आपका एक और सबसे बढ़िया काम करेंगे कि अनवांटेड शेडिंग होती है, बाल वगैरह गिरते हैं डॉग्स के और कैट्स के अनवांटेड जो होते हैं, सो उसको भी रोकने में काम करती है ये। इसके अंदर इंग्रेडिएंट है लिकोराइस, नेटल लीव्स और टर्मरिक वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टर्मरिक की तो आपको पता ही है हल्दी, इसकी कितनी सारी खूबियां होती है। सेकंड टैबलेट की बात करते हैं, ये है यूरिनरी सपोर्ट टैबलेट, ये हेल्प करती है नॉर्मल फंक्शनिंग चलने के लिए यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी ट्रैक की, ठीक है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, कई बार आपने देखा होगा कई डॉग्स ना अपनी जो पोटी शेड्यूल होते हैं वो मिस कर देते हैं, तो वे इस वजह से होता है, तो अगर आप उनके साथ होते तो आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हो। सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है कॉर्न सिल्क, क्रेनबेरी, रेस्टबेरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया फ्रूट्स हैं ये, जिसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैट्स और डॉग्स के यूरिनरी ट्रैक के लिए। थर्ड वन जो है ये है कार्डियोवास्कुलर टैबलेट, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव करती है, जो कार्डिक मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करती है। इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि विटामिन ई, हॉथोर्न, लिकार्टिन, प्यूराइन। सो ये 3 टैबलेट्स बहुत अच्छी है भाई, जरूर चेकआउट करना, मैं अपने डॉग्स को देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आपको सबको पता ही है कि मैं अपने पेट वेट पे कितना भरोसा करता हूँ, सारे प्रोडक्ट शैम्पू टैबलेट्स वगैरह सब कुछ उनके यूज करता हूँ, सबके प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर वहां से चेकआउट करना। ने देखो कार्ड कहाँ रख दिए दोनों, ये देखो। सो ये ऑयस्टर कार्ड है, किसी को उठाए नहीं है, हमारे ही है। सो हमारे पास तीन चार ऑयस्टर कार्ड है, और भाई पता ही नहीं चलता कब खाली हो जाते हैं। हुआ दोस्तों ऑयस्टर, इसके अंदर ना पेमेंट, मतलब इसके अंदर मैंने 5 या 6 पाउंड डलवाए थे, और आज दूसरा दिन ही था शायद यार, और फिर खाली हो गया, नेगेटिव में चला गया, 2-3 इकट्ठे हुए हैं ऐसे हमारे पास। तो आज मैं मजाक कर रहा था कि भाई अंकित लगाएगा ऑयस्टर कार्ड पे, कि और मैंने यूं कहा कि भाई नाना खाली है इसका, इसको बाहर निकालो, इसका तो लग गया और मेरा नहीं लगा यार। फिर भाई क्या हुआ, सुबह का टाइम है और शॉप वगैरह को ओपन नहीं है जहाँ से हम रिचार्ज कराते, कैश है हमारे पास और वो है नहीं, और यहाँ पे सिर्फ ऑयस्टर लेते हैं, वो कैश वगैरह नहीं लेते, ऑयस्टर लेते हैं या फिर ये लेते हैं ATM से पेमेंट करवा लेते हैं, तो फिर हमारा नहीं हुआ तो अब पैदल जाना पड़ रहा है। अभी कोई आसपास नियरेस्ट कोई शॉप मिलेगी वहाँ से रिचार्ज करा लेंगे इसे, और फिर चलते हैं बस में। बट भाई अगर शुरू में तुम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि भाई ये कार्ड जरूर बनवा लो, नहीं तो भाई ये काम होएगा तुम्हारे साथ भी। हमारे साथ पहली बार तो नहीं हुआ, एक बार पहले भी हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था, खाली हो गया था, फिर जो बस ड्राइवर था वो बढ़िया था भाई, उसने भी था। फिर अब क्या हुआ है, ATM कार्ड भी आ गया मेरे पास, और क्या सीन है इधर ना, ATM कार्ड पहले आता है और उसका पिन बाद में आता है 2-3 दिन के बाद, और मेल के थ्रू आता है, वो फिजिकल मेल जो होती है, ईमेल नहीं, तो उसके थ्रू आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, इस वजह से फिर मेरा कार्ड भी नहीं चल रहा। तो इसमें कार्ड स्वाइप होता है, टैप होता है, या फिर ये वाला टैप होता है, तो इस वजह से नहीं हो पाया। ये देखो, सो इधर आगे ना हीथरो एयरपोर्ट है, और इसकी बैक साइड में हमारे यहाँ पे वेयर हाउस है। सो
यही था भाई, तो तुम्हें बताना, जो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भी काम आएगा। बाकी व्लॉग आगे चल रहा है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं भाई हमें शॉप मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम भी सुबह का है ना, तो क्या पता खुली ना हो, बट हम सर्च में है उसके। सो चलते हैं, हाथ दर्द करने लग गए, और अब जब शॉप मिलते ही आपको दिखाता हूँ मैं कैसे रिचार्ज होता है ये। सो दोस्तों चेक करते हैं कि ओसी कार्ड हमारा चल जाएगा या नहीं चलेगा, मतलब रिचार्ज करवा के कोशिश करते हैं, सुपर स्टोर है पंप पे। दोस्तों यहाँ पे भी नहीं हुआ, उन्होंने मैम ने बताया कि आगे 3 मिनट्स की वॉक पे एक वाइन शॉप है, वहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। सो भाई वहाँ भी चल पड़ते हैं। यहाँ क्या होता है, पेट्रोल पंप पे भी यहाँ पे ना वो स्टोर्स होते हैं। देखो आपको यहाँ का पेट्रोल पंप दिखाता हूँ, ये देखो, इसको शांत कर रखा है, इसको मैंने अपने ईयरबड्स दे रखे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंग होती है, यहाँ पे खुद पेट्रोल भरना डीजल भरना होता है, और उस साइड मैकडी है, ये स्टोर है। सो चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ना फूड कोर्ट भी है ना, इससे पीछे मैकडी है, वो देखो दिख रहा मैकडोनल्ड्स। सो चलो चलते हैं, ये देखो वॉशिंग एरिया। भाई फाइनली हो गया रिचार्ज, 5 pounds मेरे वाले में डलवा लिए, 2 pounds अंकित वाला तो अभी भी माइनस में नहीं था। ये देखो 5 pounds डलवा लिए, अब चलते हैं घर पे। तो इससे क्या सीख मिलती है, ध्यान रखो भाई, कहीं उससे ख़त्म हो जाए तो फिर यहाँ कोई वो नहीं है भाई किसी का, और पैसे पूछे चलते नहीं है कैश, यहाँ या तो कार्ड स्वाइप करना पड़ता है या फिर रजिस्टर करना पड़ता है। सो चलो चलते हैं घर पे। तो दोस्तों देख लो भाई, बैठ गया बस में पहुँच रहा हूँ घर पर बस, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। छोटा सा व्लॉग था पर कोई नहीं, अब आपके व्लॉग्स पता कैसे आएंगे, वीक में मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 व्लॉग्स तो पक्का आए। सो यार यहाँ पे बिजी स्केड्यूल है तो डेली व्लॉग्स तो पॉसिबल है नहीं, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी डले तो भाई बेयर करना, पर तुम लोगों के लिए वीडियोस जरूर डालूंगा। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय बाय।